दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सैनी बॉलीवुड न्यूज में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सैफ अली खान और अमृता सिंह की लव स्टोरी के बारे में तो आप जानते ही हैं। किस तरह से दोनों एक दूसरे से प्यार में इस तरह गिरफ्तार हुए थे कि सैफ ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अमृता से शादी कर ली थी। अमृता सिंह ने भी एक बार फिर सिमी गेरवाल के चैट शो में इस बात का खुलासा किया था कि सैफ जिस कदर उनके दीवाने थे, अमृता ने उन्हें अपनी सैफ और पहली डेट के बारे में बताया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को शायद ये पता होगा कि सैफ से शादी करने और प्यार में पड़ने से पहले अमृता एफेयर सनी देओल के साथ था। दरअसल सनी देओल और अमृता ने साल 1983 में फिल्म बेताब से साथी में ड्यूल बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसी के बाद दोनों के बीच करीबियां बढ़ी थी। दोनों के अफेयर की खूब चर्चे सुर्खियों में थी क्योंकि सनी देओल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन ये बात उन्हें सबसे छुपा रखी थी। यहाँ तक कि अमृता को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। बता दें कि सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म की रिलीज से पहले किसी को उनकी शादीशुदा होने का पता चले, क्योंकि इससे सनी के रोमांटिक इमेज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सनी की यह शादी एक बिजनेस एग्रीमेंट थी, इसलिए जब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई तब तक उनकी वाइफ पूजा लंदन में रही थी। सनी चोरी छुपके उनसे मिलने लंदन जाया करते थे, लेकिन उनका ये राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। कुछ समय बाद यह खबर सामने आई थी कि सनी देओल शादीशुदा है। हालांकि उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे ही अमृता को सनी की सच्चाई का पता चला तो दोनों सनी देओल से रिश्ता तोड़ लिया था।